तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सैंडविच, जो बहुत ही डिलीशियस है। आलू सैंडविच है, घर की कुछ चीज़ों से बनी है, बिना सैंडविच मेकर के इसे मैंने पैन में ही बनाया है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। यहाँ पर एक पैन लिया है मैंने, इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच बटर डाला है। बटर मेल्ट होने के बाद मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसे हम कर लेंगे अच्छे से सॉटे। ये देखिए अब इसमें मैं डाल दूँगी चॉप्ड किए हुए अनियन। एक बड़ा अनियन मैंने लिया था जिसे बारीक मैंने काट लिया है, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक बड़ी कटी हुई बारीक हरी मिर्च। हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों मैंने इसमें यूज़ की है, ताकि मैं थोड़ा सा सैंडविच को तीखा सा बना रही हूँ आलू सैंडविच को। अब इसमें मैं डाल दूँगी क्रश किए हुए गाजर, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिए थे एक गाजर को, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों में इसमें इसलिए मैं ला रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा कच्चापन ना रहे और टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये देखिए अब इसमें रफली मैश किए हुआ मैंने उबाल के रखा था आलू, 3 आलू मैंने उबाले थे जिसे रफली मैश कर लिया है। और इसमें हल्का सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी ऑनली कलर के लिए, जैसा कि आपको पता है कि इसमें तीखापन नहीं रहता है। और स्वाद अनुसार नमक, नमक डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मुझे बटर कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 टीस्पून बटर और ऐड कर दूँगी आलू के ऊपर। ये देखिए 1 से 1 टीस्पून बटर और ऐड कर दीजिएगा, जिससे आलू में टेस्ट और बढ़ जाएगा। और ये इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल 1/4 आपको ऐड करना है। और इसे अच्छे से मिक्स करके हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड लिए हैं जिसके ऊपर मैं मेयोनीज लगा रही हूँ। तो ये देखिए आप इसकी जगह बटर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये मेयोनीज ना हो तो आप बटर का यूज़ कर लीजिए, या हरी चटनी बना के भी आप इसे बना सकते हैं। और इसमें मैं अब जो रेडी किया हुआ आलू का जो हमारा बैटर है, वो से अच्छे से मैं इसमें स्प्रेड कर लूँगी ब्रेड के ऊपर। और ये देखिए दोनों ब्रेड में हमें अच्छे से आलू के बैटर को लगाना है। ये देखिए अच्छे से हम इसे कर लेंगे फिल। ये देखिए दोनों ब्रेड में मेरे ये आलू का जो बैटर है वो फिल हो गया है। अब इसे दोनों को एक साइड में रख दूंगी बना के। नेक्स्ट ब्रेड को भी हम इसी तरह कर लेंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट ब्रेड भी अब रेडी है मेरा। तो इस तरीके से फिलिंग करके दोनों को हम आपस में मिला देंगे। तो ये हो गए हैं ब्रेड रेडी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर पैन में मैंने बटर लिया है और वो हो गया है मेल्ट। अब इसमें मैं अपने ब्रेड को सेक लूँगी। दोनों साइड हम बटर लगा के अच्छे से इसे ब्रेड को दोनों साइड से क्रिस्पी रोस्ट कर लेंगे, जिससे सैंडविच बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। तो ये देखिए बटर अच्छे से लगाइएगा, अगर आप बटर कम खाते हैं तो यूज़ कम करिएगा। तो ये देखिए बढ़िया सा कलर चेंज हो गया है, क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड दोनों साइड से हमें बनाना है। तो देखिए सिमिलर वे में अब मैं दूसरे साइड भी इसे बटर लगा के अच्छे से हम इसे पका लेंगे, मीन्स रोस्ट कर लेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी क्रिस्पी बना लेंगे इसे। ये देखिए दोनों साइड क्रिस्पी हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लूँगी। अब सिमिलर वे में हम दूसरे ब्रेड को भी इसी तरह से कर लेंगे अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी। तो दोनों साइड बटर लगा के आप अच्छे से इसे रोस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसमें देखिए बटर लगा रही हूँ। तो दोस्तों मेरी अदर वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दी है, वहाँ जाके आप ज़रूर मेरी पूरी वीडियोस देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी अदर वीडियोस भी आपके पास आती रहे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए दोनों साइड से ये अच्छे से हम इसे पका लेंगे, और ये देखिए मीन्स रोस्ट कर लेंगे। तो बढ़िया सा हो गया है, ये कलर चेंज आ गया है इसका। अब इसे भी हम निकाल लेंगे एक अपने प्लेट में, और इसे मैं आपको अब बताती हूँ काट के। ये देखिए काट के मैंने ये दिखाया आपको कितना बढ़िया सा क्रिस्पी ये
ब्रेड सैंडविच आलू वाला रेडी हो चुका है। अब इसे आप सर्व करिएगा हरी चटनी सॉस के साथ और इन्जॉय करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।